Assalamualaikum everyone. आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथम. राइट फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म. अब यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें माइंड में जो है वो रख लेनी है, ठीक है. अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो उसको अगर लॉगरिथम फॉर्म है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है. ऐसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में लाना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे. ये दोनों चीज़ें जो आपको माइंड में जो है वो रख लेनी है कि अगर इस तरह फॉर्म में लिखा हो तो हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है. अब आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिला हुआ है, इस फॉर्म में मिला है, आपको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है. अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लॉग. यहाँ पर ए क्या है, 7, ठीक है. ए क्या है, 7, तो यहाँ पर हमने ए 7 लिख लिया. एक्स है, एक्स कौन सी होती है, इज इक्वल टू के बाद 343 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, y. y क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो पावर होती है वो y इज इक्वल टू 3. सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह से ही है, 3-4 इज इक्वल टू 1/81, ठीक है. अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, log a लिखते हैं, a क्या है 3, ठीक है. उसके बाद क्या लिखते हैं, x, x क्या है 1/81 इज इक्वल टू y, y क्या है 4. पार्ट थर्ड में भी ऐसे ही करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, log 10, a क्या है यहाँ पर 10 है, ठीक है. उसके बाद क्या है, x, x क्या है 0.01 और y क्या होती है, पावर जो होती है वो लिखते हैं 3. यहाँ पर क्या है, कोई पावर नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, पहले जो है वो रूट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स में आपको 3 मिला हुआ है, ठीक है. तो कुछ नहीं मिला होता तो 1/2 लिखते हैं, अगर कुछ मिला होता इंडेक्स में तो 1/2 नंबर लिखते हैं. यहाँ पर 3 है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए 1/3 लगाएंगे, इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पर 2 1s are 2 upon 3 सेम. अब ये हमारी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लॉग ए क्या है m, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, x, x क्या है 1 इज इक्वल टू y, 2/3, y क्या है जो पावर होती है हम वो लिखते हैं. मतलब इन दोनों चीज़ों को आपको माइंड में रख लेना है, सही है. अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिला था, लॉगरिथम फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया. क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपको लॉगरिथम फॉर्म में मिला हुआ है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब इस फॉर्म में मिला है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है. लॉग 2781 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है. लॉग ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये किसके बराबर होता है, ए. यहाँ पर ए क्या होता है, 27 है. y क्या है, 4/3 इज इक्वल टू 81, ठीक है. x क्या है यहाँ पर, 81, तो 81. सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह से ही है, ठीक है. a, a क्या है 2, उसके बाद y क्या है 3 इज इक्वल टू x, x क्या है 1/8. यहाँ पर भी ऐसे ही है, log 10 ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है. यहाँ पर a क्या है 10, y क्या है 0, x क्या है 1. फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही है, log 10 है तो a यहाँ पर क्या है 10, ठीक है. y क्या है 2 इज इक्वल टू x क्या है 0.01. तो ये हमारे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फॉर्म हो गई. सिर्फ इन दोनों चीज़ों को माइंड में रख लेना है आपको. अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, फाइंड अननोन ऑफ द फॉलोइंग. अननोन मतलब यहाँ पर आपको x, y, a, z इस तरह से कोई वेरिएबल है, आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे वो वेरिएबल पावर में हो, चाहे बेस में हो, कहीं पर भी हो, आपको वो फाइंड करनी है. तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, लॉगरिथम फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है. अब यहाँ पर लॉगरिथम फॉर्म में पहले मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, मीन्स इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी. 32 1/2 इज इक्वल टू एक्स, ए पावर वाई इज इक्वल टू एक्स. अब फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. मैंने 32 की यहाँ पर एलसीएम ले ली, तो यहाँ पर एलसीएम में दो पेयर्स बन गए 2 के, तो 2 2s are 4 और एक 2 बचा, तो उसको हम रूट में लिखेंगे और 1/2 इज इक्वल टू एक्स. फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, एक्स की. हमें इसके पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एक्स की वैल्यू सिर्फ हम क्या लेंगे, जो बेस है. यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, तो मीन्स एक्स का पावर 1 है,
तो इस इन दोनों पावर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें x की वैल्यू चाहिए, x के बराबर में क्या रहा है, 4√2। हमने x की वैल्यू क्या लिख ली, 4√2। सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे कि हमें जो है वो वैल्यू चाहिए अननोन की। यहाँ पर अननोन a है, पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे a, ठीक है। उसके अलावा पावर y, y क्या है, 1/2 इज इक्वल टू x, x क्या है, 3। अब यहाँ पर इस 1/2 को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। पार्ट 3 में भी ऐसे ही है, log ऑफ 5 इज इक्वल टू y। तो हम इसे क्या करेंगे कि a पावर y इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है। y इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 25 की एलसीएम लेंगे तो 2 times 5 आएगा, 5 times 25। अब यहाँ पर 1/2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो इस साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 के ऊपर पावर y बचेगा, यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, 4। अब ये बेस है 5 के इक्वल है, तो पावर में क्या है y, तो इसके पावर में क्या है, 4। तो y किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर पावर में है तो पावर के इक्वल, अगर बेस में तो बेस के इक्वल होगा। पार्ट 4 में इसी तरह से ही है, हम क्या करेंगे, log of y of x is equal to 33/2। अब logarithm फॉर्म में, पहले exponential फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे a, यहाँ पर a 4 है, पावर 3/2 is equal to x। अब यहाँ पर 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे, 2² 3/2 is equal to x। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा, 2 के ऊपर पावर 3 is equal to x। 2 का पावर क्यूब क्या होता है, 8 is equal to x। तो बेस x की वैल्यू क्या आ गई, 8, ठीक। पार्ट 5 में है, log of 10 of 100 is equal to y। अब यहाँ पर बेस क्या है, a क्या है, 10, पावर y is equal to x, x क्या है, 100, ठीक है। 10 सेम लिख लिया, पावर y सेम लिख लिया, 100 की जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो 10 आता है, कैसे, जब हम 100 की एलसीएम लेते हैं तो 10 times 100, 10 times 10, मतलब कितने 10 आ गए, 2, 10² ठीक है। अब यहाँ पर y पावर में है, ठीक है, बेस बेस के इक्वल है, पावर पावर के इक्वल होता है, y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे पार्ट 4 में है। पार्ट 6 में क्या करते हैं, वैसे ही हम पहले लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, log of a 64 इज इक्वल टू 3, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a पावर y, y 3 है, इज इक्वल टू x, x हमें 64 मिला हुआ है, a पावर 3, 64 के जब हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इस तरह से 4 times 4, 4 6 are 24, 4 4 are 16, 4 1 are 4, कितने 4 आ गए, 3, 4 क्यूब, 4 का जब क्यूब लेते हैं ना, 4 4 are 16, 16 4 are 64, तो ये हमारा 4 का जब क्यूब लेंगे तो 64 आएगा। अब पावर पावर के इक्वल है, बेस किसके, a किसके इक्वल होगा, 4 के, ठीक है। पार्ट 7 में है, a log of a 1 is equal to 0, a पावर y, y क्या है, 0 is equal to x, x क्या है, 1, ठीक है। यहाँ पर एक पार्ट में क्या है, log of 55 is equal to y, यहाँ पर बेस क्या है, a क्या है, 55, पावर y है, is equal to x क्या है, 55, 55 55 के इक्वल है, बेस बेस के इक्वल है, लेकिन इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो मीन्स इट मीन्स 1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड बात होती है कि वो पावर्स की 1 ही होती है, ठीक है। पार्ट 9 में क्या है, log of 64 of 8 is equal to x upon 2, 64 बे पावर क्या है, y क्या है, x upon 2 is equal to 8, ये 8 क्या है, x। अब यहाँ पर 64 जब हम 8 की 64 की जब एलसीएम लेते हैं, 8 8 64 8 1 8, कितने 8 आ गए, 2 8 आ गए, ठीक है। 8 स्क्वायर किया, x upon 2 is equal to 8, अब यहाँ पर स्क्वायर किया तो स्क्वायर 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, बेस बेस के इक्वल है, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मीन्स 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। थैंक यू।